नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक ड्रॉइड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने किसी भी मोबाइल को आप जो है टीवी में कैसे चला सकते हो वायरलेसली। जैसे कि अगर आपको आपके पास कोई फ़ोन है और उसे आप चलाना चाहते हो टीवी में, बड़े स्क्रीन पे जैसे गेमिंग करना चाहते हो, या तो कोई वीडियो आप अपने फ़ोन में देखते हो या मूवी देखते हो, उसे आप चाहते हो वायरलेसली अपने टीवी में चलाना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सब कर पाएंगे। और ये सब बिल्कुल प्रोसेस ईजी है, बस यार वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर करना वीडियो। मैं इस वीडियो में यूज़ करने जा रहा हूँ नोविया रेड मैजिक 3 को, बट आप अगर जो कोई दूसरा मॉडल भी यूज़ कर रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बस आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे कैसे किसी फ़ोन को टीवी में चलाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जो आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है लाइक करना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और आपका कोई मतलब सुझाव हो तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, अपना मोबाइल का जो मॉडल नंबर है वो भी कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ नोविया रेड मैजिक 3, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बहुत सारा इंटरेस्टिंग फीचर है, और साथ ही साथ जो ये स्क्रीन शेयरिंग का भी ऑप्शन है जिसे उसको बोलते हैं कास्ट स्क्रीन। तो जैसे कि नॉर्मली आपका जो LED TV है उसमें, या फिर आपका जो TV है उसमें मेनू में देखिए आपको मिल जाएगा स्क्रीन कास्ट, जो कि आपने देखा मैंने अभी स्क्रीन कास्ट या स्क्रीन मिररिंग होगा, मैंने उसे टीवी में इनेबल मैंने कर दिया बस एक बार क्लिक करके। अब बस फ़ोन में जाना है, फ़ोन में जाने के बाद देखिए स्टेटस बार में मेरा है कास्ट लिखा हुआ, तो पहला ऑप्शन तो है कि यहाँ से मैं चालू कर सकता हूँ, अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से सर्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और मेरे पास दूसरा उपाय है, मेरे पास नहीं, आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं अगर जो आपको यहाँ पर कास्ट स्क्रीन नहीं मिलता है तो सेटिंग में जाइए, जैसे ये देखिए यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन है, हो सकता है आपका और भी दूसरा ऑप्शन हो लिखा हुआ स्क्रीन मिररिंग। तो देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्टेड डिवाइस में गया, उसके बाद कनेक्शन प्रेफरेंस में जाता हूँ और यहाँ पर भी देखिए कास्ट लिखा हुआ है। तो मेरे पास दो दो तरीका है, मैं यहाँ पर भी जाके मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। अब जब आप कास्ट में जाओगे तो ऊपर में देखोगे आपको 3 डॉट मिलेगा और वहाँ पर आपको कर देना है इनेबल वायरलेस डिस्प्ले, तो इसी तरीके से आप वहाँ से इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने वाईफाई को भी मैंने चालू कर दिया, और यहाँ पर मैं टीवी से बहुत दूरी पे हूँ, मैंने कोई वायर वगैरह नहीं कनेक्ट किया, बस मैंने यहाँ पर देखिए वाईफाई को चालू किया और जो टीवी का मॉडल है वो आ गया, उसके बाद मैंने उस मॉडल पे क्लिक किया और बस कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद मेरा स्क्रीन देख सकते हैं बड़े स्क्रीन पे चल रहा है, और अगर जो आप गेमिंग वगैरह करोगे तो और मज़ा आ जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा नोविया का ये जो फ़ोन है इसमें कूलिंग फैन है, इसलिए अगर आप इस फ़ोन में गेमिंग वगैरह करोगे तो मज़ा आएगा। जैसा कि आप साउंड वगैरह थोड़ा सुन सकते हो कैसा आपको साउंड मिलता है। तो आपने सुना होगा साउंड वगैरह, आपको जैसा आप आवाज़ वगैरह कम ज़्यादा करोगे अपने फ़ोन में तो वैसा ही आपके टीवी में भी होगा ऐसे ही। तो यहाँ पर मैं कुछ सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं कितने मस्त तरीके से स्मूथली तरीके से वर्क कर रहा है, तो ऐसे में मज़ा आता है यूज़ करने में। तो अगर जो आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके बारे में अगर हमें कमेंट में बताओगे तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा उसे कनेक्ट करके, तो इसलिए ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें सबके साथ ताकि और भी लोग जान पाए कि हाँ भाई उसके फ़ोन में भी फीचर है वायरलेसली तरीके से मतलब टीवी में यूज़ करने का फीचर। तो बस यार कैसा लगा वीडियो कमेंट में भी बता देना और अपना मॉडल भी कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है 100% करना यार, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आपका जो सवाल है कमेंट भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।